हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल हिंदी टैरो डेक 222। मैं हूँ पल्लवी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप सभी लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ फिर से एक और नई रीडिंग। और आज हमारी इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपसे दूर जाने के बाद क्या है इस पर्सन की सोच, क्या इनके मन में चलता रहता है। ये सभी चीज़ें आज हम टैरो से देख रहे हैं। आपको यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखना होगा कि रीडिंग जो भी होगी वो जनरल कलेक्टिव और एक टाइमलेस रीडिंग होगी। मैरिड अनमैरिड कोई भी पर्सन ये रीडिंग देख सकता है। ऑल साइन बेस्ड यहाँ पर रीडिंग होगी। जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगा, यानी कि लड़का लड़की कोई भी रीडिंग देख सकता है। ठीक है गाइज, अगर चैनल पर आप लोग पहली बार आए हैं, रीडिंग पसंद आती है, कनेक्ट कर पाते हैं आप अपने आप को इस रीडिंग से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ में ही बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके पास अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके। और जो लोग मेरे साथ चैनल पर पहले से ही जुड़े हुए हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ग्रेटिट्यूड ज़रूर दीजिएगा उस यूनिवर्स को, उस डिवाइन को, जिनसे आप इस रीडिंग के दौरान अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, देखिए ग्रेटिट्यूड देने में कंजूसी नहीं दिखाइएगा, लौट फिर कर आप ही के पास आनी है। द वेटिंग गेम, अभी तक जो मेजरली एनर्जीज आई हैं वो है जमनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, मूविंग ऑन। बॉटम ऑफ द डेक है लव बिगिंस। गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए। बताइए दूर जाने के बाद क्या है इस पर्सन की सोच, यूनिवर्स गाइड कीजिए। बताइए ये मेरे लिए न्यू कार्ड्स है ना, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। ऑब्स्टिकल्स, ऑपरेशन, अराउजिंग, द जेंटल, एंड बॉटम ऑफ द डेक आया है अप्रोच। देखिए सबसे पहली चीज़ मुझे यहाँ पर ये दिख रही है, डेफिनेटली आपके पर्सन ना आपको इंतज़ार करने के लिए छोड़कर गए हैं। मूव ऑन इन्होंने डेफिनेटली आपसे करा है और आपको वेटिंग मोड पर छोड़ दिया, यानी कि आपको यही नहीं पता इस पर्सन के विषय में कि आएंगे या नहीं आएंगे, कितना वक्त के लिए गए हैं, कितने वक्त के बाद आएंगे। तो आपको पूरी तरह से ये पर्सन एक साइलेंट ट्रीटमेंट देकर अब आपकी लाइफ से मूव ऑन करके चले गए। मुझे साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जिसके भी साथ गए हैं या जिस रीज़न की वजह से गए हैं वो है आप लोगों के बीच में कोई थर्ड एनर्जी विद दिस रिजॉयस एंड सेलिब्रेशन, जिनके साथ ये सेलिब्रेट करने गए थे, अपनी लाइफ को एंजॉय करने गए थे अपनी लाइफ को, यानी कि इन्हें उसके पास जाकर ऐसा ही लग रहा था कि अब ज़िंदगी एक नए सिरे से स्टार्ट होगी जिसमें ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन होगा, खुशियाँ होंगी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं इन्हें मिलेगा। आप इस पर्सन का वेट करते रहे और ये पर्सन अपनी लाइफ को एंजॉय करते रहे इस सोच के साथ कि ये अब आपसे आसानी से मूव ऑन कर जाएंगे और अब इनकी लाइफ बहुत सेट हो गई है, ये चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में आया ट्विस्ट, यानी कि ये पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पास गए हैं उस थर्ड पार्टी के साथ इन्हें मिला है ये पर्सन उसके साथ गए, वहाँ पर इस पर्सन को ऐसी चीज़ों ने कहीं ना कहीं जगा दिया या ऐसी चीज़ें इनकी लाइफ में हुई जो इनके लिए एक शौक से कम नहीं था। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि आपके पर्सन को किसी चीज़ की क्लियरिटी हुई हो उसी थर्ड पार्टी के मामले में, जिसकी क्लियरिटी इन्हें जाते वक्त नहीं थी। थर्ड पार्टी इनके लिए पूरी तरह से ना तो ईमानदार निकली, ना इनके लिए पूरी तरह से डिवोटेड निकली, ना इनके कंट्रोल में रहने वाली वो थर्ड पार्टी निकली। यानी कि आपके पर्सन
डेफिनेटली अपनी एक लाइफ को सेट करने तो गए थे, लेकिन इनकी लाइफ में उस थर्ड पार्टी के साथ जाने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ बिजलियाँ गिरी हैं, सिर्फ़ और सिर्फ धक्के मिले हैं, ऐसे ऐसे झटके इन्हें मिले हैं इस थर्ड पार्टी के मामले में, ऐसी ऐसी सच्चाइयाँ इनके सामने आई हैं जिस रीज़न की वजह से ये उस हालत में हो गए कि ना ये घर के रहे, ना घाट के रहे, ना आपके पास आने के रहे, ना आपसे कुछ बताने के रहे। यानी कि यहाँ पर आया है ट्रैप्ड इन फियर, ये पर्सन एक ट्रैप्ड वाली एनर्जीज में जाकर रह गए, एक साजिश में फंस गए, मुझे ये चीज़ें दिख रही हैं जिसमें ये पर्सन सिर्फ़ और सिर्फ बस अपने आप में रह रहे हैं, अकेले रह रहे हैं, एक इस उम्मीद के साथ कि डेफिनेटली जो भी लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं जो इस थर्ड पार्टी ने क्रिएट करे हैं, अनएक्सपेक्टेडली इनकी लाइफ में आए हैं, वो ये उन ऑब्स्टिकल्स को पार कर देंगे, वो स्ट्रगल्स इनकी लाइफ के चले जाएंगे, वो डिफ़िकल्टीज़, वो तूफ़ान इनकी लाइफ से चले जाएंगे। उस उम्मीद के साथ ये पर्सन दूर जाने के बाद सिर्फ और सिर्फ अपने आप में रह रहे हैं, ये एनर्जीज हैं। लेकिन देखो, होप भी कितने टाइम तक कोई इंसान लगाकर रख सकता है, तो वही चीज़ें इनके साथ हो रही है कि होप बिल्कुल एक अंधेरे में दिए के बराबर मुझे नज़र आ रही है इस पर्सन की। उसके अलग मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन जहाँ पर भी हैं वहाँ पर डेफिनेटली ने ऐसा फील होता है कि एक ये डेंजर में है, ठीक है, एक ऐसे खतरा है इनके ऊपर मंडरा रहा जिससे ये डर रहे हैं, जिससे निकलना चाह रहे हैं, जिस मामले में इनसिक्योरिटी हो रही है, एक अजीब सा ही अंधेरापन, एक अजीब से ही इमोशंस इस पर्सन के होते हैं उस बंद अंधेरे कमरे में। तो डेफिनेटली आपके पर्सन दूर जाने के बाद खुश नहीं है, बल्कि ये पर्सन ने अपनी लाइफ में चैलेंजेस को, ऑब्स्टिकल्स को, फंसी हुई एनर्जीज को न्योता दिया, इनविटेशन दिया है जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं, बल्कि जिस रीज़न की वजह से ये सिर्फ और सिर्फ डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि जो सजा ये आपके लिए छोड़कर गए थे वो सजा इन्हें दे दी गई है इस थर्ड पार्टी के नाम से, जो साजिश ये आपके लिए फैलाकर गए थे वो साजिश कहीं ना कहीं इन्हें मिल गई है। तो इस चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे कि भाई ऐसा क्या माजरा है इस थर्ड पार्टी के साथ, जो भी ये जिसके भी साथ ये गए थे, जो इस पर्सन की ज़िंदगी नर्क के बराबर हो गई है, या जो ये पर्सन खुद इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये अपने ही साजिश में फंस गए हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर साथ में ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन उसी एनर्जी से निकलना चाहते हैं, उस जेंटल पर्सन के पास जो काफ़ी सॉफ्ट हार्ट था या थी, उस पर्सन के साथ जिसे इनके ऊपर भरोसा था, जो इन्हें डीपली प्यार करता था या करती थी, तो उसकी तरफ ये अप्रोच करना चाहते हैं, उसके साथ ये नई शुरुआत करना चाहते हैं, उसके ऑफर्स ये एक्सेप्ट करना चाहते हैं, वो एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है। जो छोटी सी होप भी है ना, वो उसी चीज़ को लेकर है कि ये एक बस आपके पास पहुँच जाएंगे तो चीज़ें डेफिनेटली सही हो जाएंगी, तो वो यहाँ पर मुझे दिख रहा है। तो डीप इनसाइड ट्रूली ये पर्सन ये महसूस कर रहे हैं कि ये फंस चुके हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं भाई ऐसा क्या माजरा है जो ये पर्सन दूर जाने के बाद ऐसा महसूस कर रहे हैं, ठीक है। गाइड कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ आर्कएंजल्स, प्लीज़ होली एंजल्स, प्लीज़ स्पिरिट गाइड, मुझे गाइड कीजिए और बताइए ऐसा क्या माजरा है जो व्यूअर्स के पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, इसके पीछे की वजह बताइए, इसके पीछे की वजह क्या है जो अपने आप को स्टक महसूस कर रहे हैं, गाइड कीजिए। द सन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, ऐसी क्या वजह है जो ये पर्सन अपने आप को स्टक फील कर रहे हैं, फंसा हुआ फील कर रहे हैं, क्या वजह है। द ड्रीमर, वाइस काउंसलर, पेज ऑफ सोर्ड्स, वजह बताइए इस पर्सन की अपने आप को स्टक फील करने की। फाइव ऑफ सोर्ड्स, गाइड कीजिए और वजह बताइए इस पर्सन की अपने आप को स्टक फील करने की, गाइड कीजिए।
हाई प्रिस्ट एंड बॉटम ऑफ द डेक है टू ऑफ कप्स। देखो एनर्जीज ओवरऑल सभी हो गई हैं यहाँ पे, तो एनर्जीज की टेंशन आप मत लीजिएगा क्योंकि सभी एनर्जीज हैं, ठीक है। बेसिकली मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के पास गए हैं वहाँ पर इन्हें किसी भी तरह की रोशनी, किसी भी तरह की खुशियाँ नज़र नहीं आ रही हैं। इन्हें वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ अंधेरा, सिर्फ़ और सिर्फ घुटन दिखाई दे रही है। यानी कि इन्हें ऐसा लग रहा है उस थर्ड पार्टी के पास जाकर कि एक ऐसी दुनिया में आ गए हैं, एक ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सपने देखने का तो अधिकार है लेकिन उन सपनों को जीने का अधिकार नहीं है। क्योंकि जो भी वो थर्ड पार्टी है वो काफ़ी डोमिनेटिंग है, उसकी संगत उस तरह की नहीं है कि जिस संगत में रहकर आप अपने सपनों के लिए कोई एक्शन ले सको, सपनों को जी सको, सपनों को पूरा कर सको। तो वहाँ पर ऐसी ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं होती जिसमें आप अपने सपनों के लिए कुछ कर नहीं पाओ। तो डेफिनेटली आपके पर्सन का सबसे पहला रीज़न तो यही है कि ये अपनी आपको खुश नहीं रख पा रहे हैं, और खुश ना रखने की वजह है जिन सपनों को ये लेकर उस थर्ड पार्टी के पास, उस थर्ड एनर्जी के पास गए थे। वहाँ पर सपने देखने का राइट तो है लेकिन सपनों को पूरा करने का, उसके लिए एक्शंस लेने का कोई राइट नहीं है। इवन वो थर्ड एनर्जी हर वक्त इस पर्सन के ऊपर निगाहें रखती है, इन्हें बिल्कुल ऐसे रखती है जैसे कि एक पिंजरे में एक तोता इन्होंने उसने पकड़ लिया हो, ठीक है, जिसके पासवर्ड ये चेक कर रही है, जिसकी एक्टिविटीज़ ये चेक कर रही है, किससे बात कर रहे हैं, किससे नहीं कर रहे हैं, कितनी देर कर रहे हैं। तो हर एक चीज़ पर तलवार की नोक पर ये थर्ड एनर्जी इस पर्सन के ऊपर निगाहें रख रही है, जो चीज़ें इन्हें परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें इन्हें डिस्टर्ब कर रही हैं, जो चीज़ें इन्हें मजबूर कर रही हैं कि ये कैसे अपने आप को इस थर्ड पार्टी से बचाएं, कैसे ये अपने आप को प्रोटेक्ट करें, कैसे ये अपने आप को डिफेंड करें और कैसे ये इस एनर्जी से बाहर निकलें। तो मैंने आपको बोला कि अपनी साजिश में फंसे हैं, तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा यहाँ पर है कि कुछ ऐसा ही सिनेरियो इन्होंने कभी एक वक्त में आपके लिए लगा दिया था, चाहे उस थर्ड पार्टी ने लगा दिया उसके माध्यम से या अपने आप से। इस पर्सन का उस थर्ड पार्टी के साथ डेली का कॉन्फ्लिक्ट होता है, डेली के आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, डेली के तूतू मैमे होते हैं जिसमें इनका रेस्पेक्ट नहीं किया जाता, ईगो क्लैश होते हैं जिसमें इनकी हार होती है। यानी कि ये पर्सन एक ऐसी संगत में जा चुके हैं, इन्हें ऐसा फील होता है जहाँ पर खुशियाँ देखने को तो हैं लेकिन वो खुशियाँ अंदर से महसूस नहीं होती हैं कि आप खुश हो, और इन्हें वही चीज़ें ये एहसास दिलाती हैं कि खुशियाँ तो आपके साथ थी, बैलेंस तो आपके साथ था, प्यार तो आपके साथ था, जिसके पास ये अब अप्रोच करना चाहते हैं, जिसकी तरफ ये बढ़ना चाहते हैं, जिसकी सॉफ्ट नेचर को ये अब समझ रहे हैं। इन्हें उस थर्ड पार्टी के साथ ऐसा भी फील होता है कि थर्ड पार्टी दिखाती कुछ है, अंदर से कुछ और है, जहर इसने घोला है, अलग इसने करा है, लेकिन ये सब काम कहीं ना कहीं ओपनली नहीं करती। तो इस चीज़ का गहरा राज भी आपके पर्सन को पता चला है, और जैसे ही इन्हें इन चीज़ों का एहसास हुआ है, पता चला है, ये पर्सन अब ज़्यादा उत्सुक हो रहे हैं अपनी लीड अपने हाथ में लेने के मामले में कि अब मुझे ना अपनी ज़िंदगी की कमांड खुद लेनी है, मुझे अपना लीडर खुद बनना है बजाय इस थर्ड पार्टी को देने के। पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये भी है कि अब आपके पर्सन इसी विषय में थोड़ी सी काउंसलिंग वगैरह भी लेते हों, इसकी भी पॉसिबिलिटी है कि अब इन्हें क्या करना चाहिए इस सिचुएशन से, इस ट्रैप्ड हुई हुई एनर्जी से बाहर निकलने के लिए। तो ओवरऑल देखो इसने आपके पर्सन की लाइफ को नर्क के बराबर तो कर रखा है। भाई आज की डेट में कौन कंट्रोल होकर रहना चाहता है या चाहती है, कौन ऐसा चाहता है कि भाई तुम सांस भी ले रहे हो तो अगले से पूछ कर लो, तुम कोई सपना भी देख रहे हो तो अगले से परमिशन लो कि तुम्हें इसे पूरा करना है या नहीं करना है। तो ये हाल है इनका आपसे दूर जाने के बाद, और ये सोच है इनकी आपसे दूर जाने के बाद। और देख लेते हैं, गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्केंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्प्रिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए क्या है व्यूअर्स के पर्सन की सोच। पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं उसके बाद हम पढ़ेंगे।
सोलमेट, बेसिकली जो भी आप लोगों के केस में इस पर्सन की लाइफ में थर्ड पार्टी है ना, वो इस पर्सन को क्रिटिसाइज़ बहुत करती है, यानी अंडर एस्टिमेट बहुत करती है, ये भी एनर्जीज मुझे दिख रही है, ठीक है, जिससे ये खुश नहीं है, जिससे इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये क्या है, मतलब किसी को क्रिटिसाइज़ करना, किसी को अंडर एस्टिमेट करना, उसे कैसे खुशी दिला रहे हो, तो वो चीज़ें भी मुझे दिख रही हैं। इस पर्सन की ज़िंदगी ना इसी एनर्जी ने कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म कर दी है, लेकिन वो खुशियों की तरफ नहीं, वो अनहैप्पीनेस की तरफ कर दी है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है साथ में, देखो इस पर्सन की ये सोच है दूर जाने के बाद कि रिलेशनशिप क्या होता है, क्लोजनेस क्या होती है, वो होती है कि जब आप दोनों एक दूसरे को स्पेस दो, जो इन्हें अब उस थर्ड पार्टी के साथ नहीं मिल रही है, चाहे ये थर्ड एनर्जी कोई भी क्यों ना हो, इन्हें ये चीज़ें समझ में आ रही हैं कि प्यार क्या होता है, इट्स सिंपली अलाउ एंड गिव्स, यानी कि तुम परमिशन दो, इनडिपेंडेंसी दो, एक दूसरे पर भरोसा रख कर। तो इन्हें ये चीज़ों का एहसास हो रहा है जो इन्हें उस थर्ड एनर्जी के साथ नहीं मिल रही है, जिस रीज़न की वजह से ये अपने आप को फंसा हुआ फील कर रहे हैं, और ये आपको कभी एक वक्त पे साइलेंट ट्रीटमेंट इसी वजह से दे रहे थे कि जिसमें आपको इनके कंट्रोल में रहना था, और ये आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, आपको अंडरएस्टिमेट कर रहे थे, और इसी रीज़न की वजह से इस पर्सन को अब ट्रूली ये समझ में आया है कि सोलमेट क्या होता है। सोलमेट एक ऐसी स्पिरिट होती है जो फिज़िकली तो साथ रहती ही है, लेकिन सोल लेवल तक भी दोनों एक दूसरे पे भरोसा करते हैं। तो इन्हें ये समझ में आ रहा है कि आप इनके ऐसे दोस्त थे, ऐसे सोलमेट थे, जो रिश्ते का असली मायना इन्हें सिखा रहे थे, बता रहे थे, और ये थर्ड पार्टी ने हर वक्त क्रिटिसाइज़ कर रही है, अपने हिसाब से चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करने के लिए लगी पड़ी है, ठीक है। और यही चीज़ें ना आपके पर्सन के इमोशंस को हाई कर रही है, इनके इमोशंस को आपके लिए बढ़ा रही है, ये भी यहाँ पे है। आपके पर्सन को अब ये चीज़ें समझ में आ रही है, इनका नज़रिया प्यार को लेकर, सोलमेट को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, दोस्ती को लेकर बहुत ज़्यादा बदल गया है, ये भी यहाँ पर काफ़ी हद तक दिख रहा है, ठीक है। इमोशनली चीज़ों को कैसे लेकर चलना होता है, इसकी कदर ये पर्सन समझ रहे हैं दूर जाने के बाद, खुद से फंसने के बाद, तो ये भी मुझे काफ़ी हद तक दिखा है, ठीक है। तो दूर जाने के बाद सबसे ज़्यादा तो अकल आ गई है इस पर्सन को, ये एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो ये थी मेरी रीडिंग, आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, इस रीडिंग के माध्यम से आपको किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिली हो, आप अपने आप को इस रीडिंग से कनेक्ट कर पाए हो। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है, किसी तरह की कोई क्लियरिटी मिलती है, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से मैं नई नई रीडिंग्स, नए नए टॉपिक्स लेकर आ सकूं, और हम लोगों का साथ, हम लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके, बाय बाय।